पांडे निवास में दो दिल एक फिर से एक बार मिल रहे हैं, आई थिंक पांचवी छठी बार लेकिन फिर से मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी दिनों बाद आई थिंक पांडे निवास में एक हैप्पी मोमेंट है, हैप्पी इमोशन है सबका, काफ़ी खुश हैं सब लोग। और उसमें फिर कबीर कटियार वापस आता है और कुछ शोर शराबा करता है, नहीं करने वाला है लेकिन नहीं करेगा आपको। ऑफकोर्स काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, उसको पता लग गया है कि बिहान उसकी बहन के पति का और बच्चे का कातिल नहीं है, तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। और अच्छा माहौल है, शादी का माहौल है। अब किसकी शादी है ये तो आपको अब तक पता चल गया होगा आई थिंक, आपने अंदर अंदर होकर आ चुके हैं आप लोग, सब पता है आपको ऑलरेडी, स्टोरीज क्यों पूछ रहे हैं मुझसे अच्छा, आप कबीर का कैरेक्टर ग्रेस से थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ देखने मिल रहा है कभी तो हाँ ग्रे इन द सेंस रिवेंज था उसका, कम्प्लीटली नेगेटिव तो कभी था भी नहीं, अभी वो कम्प्लीटली पॉजिटिव है। और एक अनकंडीशनल उसका इमोशन है पांडे फैमिली की तरफ, क्योंकि उसको पता है उन्होंने उसने पूरी फैमिली को इतना परेशान किया है, तो अभी वो खुश रखना चाहता है उन सबको और सबको खुश रखेगा अभी वो तो आपको कहीं ना कहीं अपना भी लाइकिंग है सबकी की तरफ, तो वो कभी कैसे कंट्रोल कर रहे हैं देखकर ये किसने बताया है एक अनकंडीशनल लव है सबकी के लिए, अब वो आगे क्या होगा उसका नहीं पता। आई एम श्योर वो ऑब्सेसिव लवर तो नहीं बनेगा क्योंकि उसका कैरेक्टर है नहीं कभी, लेकिन फिर भी कुछ भरोसा नहीं है, थैंक यू यू नेवर नो।